नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, किसान और भगवान की कहानी में आप सभी का स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। इसलिए कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत भी होगी। एक किसान जो भगवान को बहुत मानता था, एक बार वह किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत के बाद वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज़ धूप और कभी आंधी, मतलब किसी न किसी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो छोटी सी छोटी बातों का भी नहीं पता है। आपको तो यह भी नहीं पता है कि खेतीबाड़ी कैसे होती है। अगर आपको पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो फिर कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि इससे कितना नुकसान होता है हम किसानों का। यदि आप मेरे हाथ में ऐसी शक्ति दे दें कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान किसान के इन तीखे वाक्यों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा, सब तुम्हारी इच्छा से होगा। किसान वरदान पाकर बहुत खुश हो गया। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। अब जब किसान को लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों पर धूप कर देता, जब पानी की ज़रूरत होती तो पानी बरसा देता। आंधी, तूफान, बाढ़ आदि कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि ऐसे किया जाता है शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर तो उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन और गुजरे, अब फसल कटने को तैयार थी। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को जैसे ही काटने लगा तो उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई, तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बहुत दुखी हो गया। अब किसान ने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने तो उन्हें आंधियों से जूझने ही नहीं दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना तो करने ही नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी सारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा पूर्ति को तूने अपने खेतों को करने ही नहीं दिया। तेरे खेतों में बालियां सिर्फ इसलिए नहीं फूटी क्योंकि तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होना था। याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता है, वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पीटने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी इन गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका डट कर सामना करना और विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक मेरे दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।